जाने का मन कर रहा है, पहले अपने कपड़े तो बदल लो। मामा, क्या आपने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज बेटा? आपने सुनी नहीं? अजीब सी आवाज थी पर मजेदार थी। इस आवाज की तो बात नहीं कर रहे थे? नहीं मामा, वो तो पू बैर है। गुड मॉर्निंग पू। कौन? और तुम? गुड मॉर्निंग रू, लेकिन आज की मॉर्निंग बिल्कुल गुड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बहुत कुछ, सच कहूँ तो बहुत अजीब चीजें हुई है। आई एम सॉरी रू, मुझे जाना होगा। पूरी बाबा, जल्दी जल्दी जाना होगा। गुड मॉर्निंग पिगलेट, क्या हुआ? सब कहाँ जा रहे हैं? कोई रास्ता दिखाएगा। इन सबको आज हो क्या? क्या है? मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, जाओ, जब मैं बुलाऊँ तो आ जाना। हाँ मामा। पिगलेट, मैं भी। कस के पकड़े रहना पिगलेट। पू, पिगलेट, टिंगल। ठंडे डेकर में बहुत बड़ी बूटी पकड़ आई है। जल्दी थे बस। करो मत खोलो, वरना पिगलेट को दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ? रैबिट, तुम सुनोगे तो तुम्हारे जोश उड़ जाएंगे। उसने अंधेरे में मुझ पर हमला किया। बहुत ही अनोखी है। सारे रोंगटे खड़े हो गए। अरे पर हुआ क्या? मैं तो कांप रहा हूँ, सर से पूछ रहा। शुक्रिया। अब बताओ तुम सब क्यों? मैं बोलूंगा। मैं ठीक है टिगर। मैं आराम से सोया था, टिगरी सपनों में खोया था, तभी अचानक मेरा घर पूरी तरह से हिलने लगा, सारी चीजें झूमने लगी और फिर सब शांत हो गया। मैंने हर तरफ देखा और वो वहां नहीं थी, मेरे परिवार की सबसे खूब सुंदर तस्वीर। पता नहीं वो कहां होगी। क्या वो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती थी टिकर? हाँ, ऐसी। पर उस तस्वीर में पू का मुंह नहीं था। समझ गया। अपूबियर, अब तुम बताओ। वो जो भी था उसने मेरा मधु खा लिया। और वो बाबा, सच कहूँ तो मैंने ही मधु खाया था, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया। मैं तो सो रहा था और अचानक एक मजेदार आवाज सुनाई दी और मैं जागा। और बात अच्छे। अब तुम बताओ पिगलेट, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे वो सब फिर से याद नहीं करना रैबिट। ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है जो बहुत ही रहस्यमय है। या दोस्तों, देखो मुझे क्या मिला है। ये तो एक स्विमिंग पूल है। आखिरकार आसमान गिर ही गया। मैं जानता था ये गिरेगा। अब क्या होगा? ये तो किसी के पैर का निशान है। ये तो नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल नामुमकिन है। इसे देखकर तो लगता है कि ये रैबिट, तुम्हें क्या लगता है ये बड़ा सा पैर का निशान किस बड़े से जानवर का होगा? ये निशान सिर्फ एक ही चीज का हो सकता है, हेफलम का। रैबिट, ये हेफलम क्या है? हेफलम क्या है? सुनो हेफलम्स के बारे में तुम। उसकी लाल लाल आंखें और कांटेदार कील से पंजे, धंसते जैसे जड़ और पीठ से निकलते पंख से पर। पंख से पर? बिल्कुल सही कहा रू। क्यों वही रू?